जापान की एक टॉप रोबोटिक कंपनी में 4 रोबोट्स ने मिलकर 29 लोगों को एक लैब में मार डाला, और वो भी मेटल बुलेट्स शूट करके। लेकिन इससे भी डरावनी बात कौन सी है पता है, कि लैब के वर्कर्स ने जब पहले 2 रोबोट्स को डीएक्टिवेट किया तो वो रोबोट्स ने तीसरे रोबोट के पार्ट निकालकर अपने अंदर इंस्टॉल कर लिए। लेकिन चौथा रोबोट अलग होने के बाद भी अपने आप को रिस्टोर कर रहा था, और ऐसा करते हुए वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा था कि कैसे अपने आप को पहले से भी ज्यादा मजबूती से रिबिल्ड किया जा सके। अरे बाबा!